सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। सब ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक और नई स्कॉलरशिप के बारे में। मैंने स्कॉलरशिप के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी है जो कि आप लोग अप्लाई कर रखे होंगे, लेकिन जितनी भी नई नई स्कॉलरशिप आती है तो मैं आपके लिए बताता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, 12th क्लास अगर आपने रिसेंटली पास किया है और आप किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो या फिर आप 12th पास करके कुछ और करना चाहते हो तो उसके ऊपर अभी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो गाइस, मेरा नाम दीपक चौहान, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्कॉलरशिप बताने वाला हूं किस प्रकार से आप इस स्कॉलरशिप को लेने वाले हो, कितने रुपए मिलने वाले हैं, कहां पे इसका फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने के लिए आपको फीस लगने वाली नहीं लगने वाली, लास्ट डेट कब है, सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो को आपको कुछ नहीं करना, बस स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक देख लेना। अगर कहीं पे भी 10-20 सेकंड स्किप किया तो भाई कुछ छूट सकता है, मुझे मत बोलना, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो, बिकॉज इस स्कॉलरशिप के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा मिलने वाला है। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो आने वाली बेहतरीन स्कॉलरशिप की और वीडियोस को देखने के लिए, ठीक है? तो स्कॉलरशिप को बताने से पहले, अगर आप लोग भी अगर अपने कॉलेज के अंदर हो और अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हो तो मैं आपके लिए एक और नए प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ पर रीलेवल के बारे में। रीलेवल का एक सिंपल सा टेस्ट क्लियर करके आप इंडिया की 200 से ज़्यादा कंपनीज एंड स्टार्टअप के अंदर आप जॉब पा सकते हो। बेसिकली रीलेवल आपको क्या करता है कि डिस्क्रिप्शन में रीलेवल का मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाना है, साइनअप करना है। जैसे आप साइनअप करोगे आपके सामने बतेरे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आप फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर एंड ऑल जैसी कैटेगरी चूज कर सकते हो। और उसके अंदर टेस्ट के अंदर ओनली 50% स्कोर करके रीलेवल के अंदर जॉब पा सकते हो, राइट? अब मैं आपको यहाँ पे नवनीत के बारे में बताना चाहता हूँ। हैदराबाद के छोटे से गांव और फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। गांव छोटा होता तो सपने इतने ज्यादा बड़े नहीं होते थे, लेकिन सपने बड़े सपनों को फुलफिल करने के लिए री लेवल का उन्होंने टेस्ट क्लियर किया और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे आज जो है म्योन गैंग कंपनी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं। फादर को जब पता चला तो बहुत ज्यादा प्राउड फील हुए। तो आप भी फटाफट जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा री लेवल का, जाके साइन अप करना, अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई करना। और अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो री लेवल आपको गुडीज प्रोवाइड करेगा, जिसके अंदर एप्पल के प्रोडक्ट, मैकबुक और डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो आपको घर पर डिलीवर करेगा। तो फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, साइन अप करो, अपनी ड्रीम जॉब पाओ। अब बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें जो स्कॉलरशिप के ऊपर पर मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से आप इसको स्कॉलरशिप को ले सकते हो। तो फटाफट जो भी आर्टिकल दे रखा है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। जैसे आप वहाँ पे जाओगे तो आप सामने कुछ ऐसा सा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। जो स्कॉलरशिप का नाम है वो है आशा ज्योति स्कॉलरशिप स्कीम 2022। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो हाल ही इसी साल 2022 में ही 12th क्लास का एग्जाम क्लियर करके पास किए हैं। फर्क नहीं पड़ेगा आप CBSE से हो, RBSE से हो, कोई अदर स्टेट बोर्ड से हो, तो भी आप इसको एग्जाम को दे सकते हो। अब इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप UG या PG एप्लीकेंट हो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो या फिर UG के लिए जा रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मेरिट कम स्कॉलरशिप है, मेरिट कम नीड बेस्ड, हाँ मेरिट कम मींस बेस्ड स्कॉलरशिप है। मगर इसका मतलब यह है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और साथ ही में आपके अगर कोई फैमिली बैकग्राउंड की फैमिली इनकम कम है तो आप भी इस स्कॉलरशिप को ले सकते हो। और क्या क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। एलिजिबिलिटीज़ क्या है, तो एलिजिबिलिटी मतलब मिनिमम कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो आप जो है या तो कोई कॉलेज का फॉर्म भर रहे हो इस साल तो आपका यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या आप PhD मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन कॉलेज के बाद में जो होती है वो कर रहे हो तो वो अप्लाई कर सकते हो। और आपकी अगर साल की इनकम 2.5 लाख है या फिर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब बोल सकते हैं कि 5 लाख मैक्सिमम इनकम होनी ज़रूरी है, 5 लाख पर एनम। अब कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट कब है, उसके ऊपर बात करें तो लास्ट डेट जो है इसकी 30 सितंबर 2022 है। उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बेनिफिट की बात कर लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा इसके अंदर, कितने रुपए देखने को मिलेंगे। तो भैया जी, बेनिफिट यहाँ पर रिवील नहीं कर रखा कि कितने रुपए मिलेंगे, बट हाँ ये जो है आपके मार्क्स और आपकी फैमिली बैकग्राउंड, मतलब आपकी फैमिली के अंदर क्या चल रहे हैं, मतलब फैमिली की इनकम कितनी, उसके ऊपर डिपेंड करके देंगे। अब कुछ बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि लेटरल एंट्री जो लीप होता है, जो एक साल ITI डिप्लोमा वगैरह करके फिर कॉलेज के अंदर स्टूडेंट जाते हैं, तो वो क्या अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई स्कॉलरशिप आती है या नहीं आती है? तो हाँ जनाब, आप इस वाली स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट होते हैं, जो डिप्लोमा या ITI करके फिर आगे अपनी पढ़ाई को फर्दर कंटिन्यू रखते हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? 30 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो आप तो अभी अप्लाई कर देना, लास्ट डेट के इंतजार मत करना। अब अप्लाई कहाँ करना है इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन डाल रखा है। इस पोर्टल पे जाओगे तो आपके सामने यहाँ पे जो है अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, है ना? तो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं यहाँ पे आपके, यहाँ पे देखो आपका ID कार्ड लगने वाला है। आप जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर पढ़ रहे हो तो इसका ID कार्ड लगने वाला है, और लेटेस्ट यूनिवर्सिटी की मार्कशीट अगर आप लग रहे हो तो, जैसे 12th आपने पास किया तो 12th की मार्कशीट लगने वाली है। फिर यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड वगैरह ये लगने वाले हैं। चाइल्ड और प्रोफेसर टीम मेंबर का देख सकते हो, ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो है आपको यहाँ पे लगने वाले हैं।
तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई नाउ पर आप जैसे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करते हो आप, जैसे आप गूगल से कर रहे हो तो मैं गूगल से कर रहा हूँ, गूगल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा सा इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। आपने एक ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी होगी और उसके अंदर से फिर आपके मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर में आप क्या करोगे कि आप जैसे मोबाइल नंबर मांग लिया मेरे, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डालूंगा तो वहाँ पे ओटीपी आएगा। ओटीपी से फिर आगे अगर मेरा ओटीपी सही रहेगा तो आगे वाला पोर्टल खुल जाएगा, वहाँ पे सारी की सारी डिटेल आपको फिल करनी है। आप मोबाइल से कर सकते हो, लैपटॉप से कर सकते हो, पीसी से कर सकते हो या फिर आप ई मित्र से करा सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से आपका रहेगा और इसे सबमिट कर सकते हो। जब भी आपका ये पोर्टल खत्म होगा, रिजल्ट अनाउंस होंगे, तो इसी वेबसाइट पर रिजल्ट अनाउंस होंगे कि इन स्टूडेंट्स को ये जो स्कॉलरशिप है वो मिली है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से स्कूल स्टूडेंट जो हैं ट्वेल्थ पास उनको प्लस कॉलेज स्टूडेंट जो हैं उनको स्कॉलरशिप का एक नए स्कॉलरशिप के बारे में पता चला होगा। अगर तो आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेशन वाली लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मुझे नहीं पता, बस आप शेयर कर देना, शेयर वाले बटन पर क्लिक करके व्हाट्सअप के थ्रू जितने भी आपके दोस्त लोग हैं, कॉलेज के दोस्त हैं या स्कूल मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, जिसके भी आप शेयर कर सकते हो शेयर जरूर से कर देना। आज की इस वीडियो के अंदर इसी स्कॉलरशिप पर बात करते हैं, अगली वीडियो के अंदर किसी और स्कॉलरशिप पर बात करेंगे। तो गाइस आज इस वीडियो के अंदर तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।